अभी दुनिया में पानी कम हो रही है, दुनिया में पॉल्यूशन और वेस्ट बढ़ता जा रहा है, लोगों का अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, बहुत सारी नेगेटिव चीजें इस दुनिया में बढ़ गई हैं, और पुराणों के हिसाब से आने वाले वक्त में ये कलयुग घोर कलयुग में बदल जाएगा, जहां पर बुराई अच्छाई से ज्यादा ताकतवर होगी। एक ऐसी दुनिया जहां पर हर कोई तड़पेगा, ऐसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पहली बार भारत में फिल्म बन रही है। आदि पुरुष के बाद प्रभास की ये फिल्म आ रही है, जिसका नाम होगा कल्कि, और ये एक ऐसी मूवी है जैसी शायद पहले इंडिया में कभी नहीं बनी। पहले तो इसे प्रोजेक्ट के नाम से मिस्टीरियस रूप से लोगों के सामने लाया गया, पर फाइनली कॉमिक कॉन में रिवील कर दिया गया कि इस मूवी का नाम होगा कल्कि 2898 AD। 2898 AD का मतलब समझ रहे हो आप? अभी कौन सा साल चल रहा है? साल 2023। तो ये मूवी हमें आज से करीब 800 साल बाद की धरती की सिचुएशन हमें दिखाती है। अभी तो फिलहाल इंडिया में ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर मूवी बनी ही नहीं, जहां पर एक ऐसी दुनिया होगी जो कि रियल लाइफ सिचुएशन से भी इंस्पायर्ड है, जहां पर नेचुरल रिसोर्सेस की कमी हो गई है और लोग पानी के एक बूंद के लिए भी तरस रहे हैं, और उसी में प्रभास की एंट्री होती है। कल्कि जो शब्द है, ये असल में भगवान विष्णु का एक अवतार है, जो कि कलयुग में आने वाला है पुराणों के अनुसार। अगर आप पुराणों को एक्सप्लोर करोगे तो आपको उनमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें और सीक्रेट्स पता चलेगी। सबसे पहले सतयुग आया, जिसमें लॉर्ड विष्णु अपने ही खुद के अवतार में थे, मतलब ओरिजिनल लॉर्ड विष्णु। फिर त्रेता युग आया, जिसमें लॉर्ड विष्णु राम जी के अवतार में धरती पर जन्म लिए थे। फिर आया द्वापर युग, जिसमें लॉर्ड विष्णु कृष्ण भगवान के अवतार में जन्म लिए थे, और द्वापर युग के बाद अब चल रहा है कलयुग। जैसे विष्णु जी के अवतार राम जी थे, फिर कृष्ण जी हुए, वैसे कलयुग में उनका जो अवतार अभी आने वाला है, जो अभी हमारे दुनिया में नहीं आया है, उनका नाम होगा कल्कि। और पुराणों के हिसाब से जो अभी की दुनिया है हमारी, इसमें बुराई हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, तब उस समय को हम घोर कलयुग कहेंगे। तब विष्णु जी का कल्कि अवतार आएगा और इस दुनिया को रीबैलेंस करेगा। तो यही इस कल्कि शब्द का मतलब है, ये बहुत ही पावरफुल वर्ड है। इस मूवी को उसी घोर कलयुग के टाइम पर सेट किया गया है। डिस्टोपियन फ्यूचर, इस टर्म पर ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट है और ये एक्चुअली में रियल लाइफ से लिया गया है। डिस्टोपियन फ्यूचर मतलब एक ऐसी दुनिया जहां पर अच्छाई से ज्यादा बुराई है और बुराई की ही राज चलती है। और ये सब तो फिल्मी बात हो गई, लेकिन और एक चीज, वैसी दुनिया में नेचुरल रिसोर्सेस की कमी हो गई है, जैसे कि अनाज हर जगह नहीं उग रहा है, मिट्टी ऐसा हो गया है, पूरा दुनिया ऑलमोस्ट रेगिस्तान बन गया है, और खाने के एक एक बूंद के लिए इंसान को लड़ना पड़ रहा है, पानी के एक एक बूंद के लिए लोग लड़ रहे हैं, और ऐसी दुनिया में सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। इसी को कहते हैं डिस्टोपियन फ्यूचर। वैसे बुराई तो आजकल के दुनिया में भी बहुत है, लेकिन फिर भी अगर आप ऊपर से देखोगे तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, और यही कारण है कि दुनिया अभी तक टिकी हुई है। लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा, लोग एक एक जॉब के लिए तरसेंगे, नेचुरल रिसोर्सेस कम हो जाएगी, और पानी के लिए तो लोग अभी भी तरस रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट देखकर अभी भी नहीं लग रहा कि ये मूवी इंडिया में बन रही है, सच्ची में। तो प्रभास को इस मूवी में एक मॉडर्न सुपर हीरो की तरह दिखाया गया है, जो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, और वही कल्कि अवतार को रिप्रेजेंट करेंगे। कल्कि एक ऐसी साईफाई मूवी होगी जिसमें से कई चीजें हमारे हिंदू टेक्स्ट से लिया गया है, जैसे अश्वत्थामा, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। अश्वत्थामा को श्राप मिला था कि वो कभी भी नहीं मरेंगे, और हमारे टेक्स्ट के हिसाब से अश्वत्थामा आज के टाइम पर, जी हाँ, अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी भी अश्वत्थामा किसी न किसी गुफा में कहीं न कहीं हमारे दुनिया में छिपा हुआ है, और इंसान के रूप में ही एग्जिस्ट करता है। उसका बॉडी भले ही सड़ गया होगा, इस मूवी के ग्लिम्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पाप और पुण्य की दो टीम्स दर्शाई गई है। जो पाप वाली टीम है उनको ब्लैक ड्रेस में दिखाया गया है, और जो पुण्य वाली टीम है उनको व्हाइट कलर की आउटफिट में दिखाया गया है। कल्कि 2898 अब इंडिया के सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज के लिस्ट में आ गया है। इसका बजट है 600 करोड़ रुपए। इस मूवी के बारे में और एक फन फैक्ट है कि इसके अंदर जितने भी टेक्नोलॉजिकल गाड़ियों को हमें दिखाया गया है,
फ्यूचर की व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि बहुत एडवांस्ड दिखते हैं, वो एक्चुअली में असली गाड़ियां हैं। मतलब 90% से भी ज्यादा मूवीज में जो ऐसी गाड़ियों को दिखाया जाता है वो असल में बस एक सेट में चलता हुआ एक नॉर्मल सा व्हीकल होता है, एक पतला सा व्हीकल जिसको कि ग्रीन स्क्रीन और CGI के मदद से एकदम भारी भरकम टेक्नोलॉजिकल व्हीकल एडवांस्ड फ्यूचर की व्हीकल के तौर पर दिखा दिया जाता है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी यानी CGI के मदद से। लेकिन फन फैक्ट ये है कि इस मूवी में ऑथेंटिक फील देने के लिए वो इंडिया के महिंद्रा कंपनी के CEO आनंद महिंद्रा को अप्रोच किए इस मूवी के लिए कस्टम मेड गाड़ी बनाने के लिए। आनंद महिंद्रा ने उनको सारी टेक्निकल सपोर्ट्स प्रोवाइड की और वैसी गाड़ियों को असल में बनाने में मदद किया सिर्फ इस मूवी के लिए। इस मूवी की रिलीज डेट की बात करें तो वो रिपोर्ट की जा रही है 12 जनवरी 2024। आदि पुरुष जो मूवी आई थी वो प्रभास के लिए अनफॉर्चुनेटली एक फेलियर साबित हुई। लेकिन प्रभास ये जो एक्टर हैं, इनकी एक बात है कि ये एक्सपेरिमेंट्स करने से डरते नहीं हैं। और मूवी मेकर्स भी ऐसे पहली बार बनाए गए फिल्म में इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने से डरे नहीं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होंगे कि ऐसी जो मूवीज है वो इंडिया में नहीं बनी है तो ये मूवी डेफिनेटली चल सकती है। लेकिन ये सोच के असल में सच में डर लगता है कि ये जो डिस्टोपियन फ्यूचर है ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि ये रियलिटी है। जिस तरह नेचुरल रिसोर्सेस सही में धरती के अंदर से कम होते जा रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स भी कम होते जा रहे हैं, लैंड धीरे धीरे लेस फर्टाइल होते जा रही है, और जिस तरह का केमिकल से भरा फूड हमारी दुनिया खा रही है, और जिस तरह लोगों का हेल्थ खराब हो रहा है, जिस तरह इतने यंग एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, ये सब देख के लग रहा है कि दुनिया बहुत ही डार्क फेज की तरफ जा रही है। सतयुग से फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, इसके अगर आप डिटेल्स को जानोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सतयुग में सबसे ज्यादा लोग सेल्फलेस रहते थे, यानी लोग दूसरों के लिए जीते थे। फिर त्रेता युग में जब राम जी का जन्म हुआ तब ये सेल्फलेस जीने वाली चीज थोड़ी सी धरती पर कम हो गई थी। फिर द्वापर युग में असुरों की संख्या और भी बढ़ गई और धीरे धीरे बुराई बढ़ गई। और अब कलयुग है जिसमें हम अभी जी रहे हैं, जिसमें इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल चीजें मौजूद हैं, बिजली है, सेल फोन है, ये है वो है, लेकिन लोगों के अंदर जो मोरल वैल्यूज हैं वो कम होते जा रही है। लोग बहुत ही ज्यादा सेल्फिश बनते जा रहे हैं। लोग को बस खुद से मतलब है और अपने कम्युनिटी से मतलब है, और दुनिया आपस में बंटते जा रही है। कौन इंसान अच्छा है कौन बुरा ये तो सब्जेक्टिव होता है। जो इंसान आपके लिए बुरा होगा वो किसी और के लिए अच्छा हो सकता है, या फिर आपके लिए जो इंसान अच्छा है वो किसी और के लिए बुरा हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो अलग है, ये तो सब्जेक्टिव है। लेकिन पूरे दुनिया को देखें तो सेल्फलेस होकर जीना यही जिंदगी का गोल बताया है बहुत से महापुरुषों ने। उन्होंने ये कहा है कि जब आप दुनिया की सारी धन दौलत हासिल कर लोगे तो आपको चैरिटी और ये सब चीज ही सेटिस्फाई कर पाएगी, क्योंकि वही जीवन का असल मकसद होता है। जैसे बिल गेट्स और बाकी अमीर लोग आप देखोगे तो ये लोग बहुत सी चैरिटीज करते हैं, और मे बी अगर आप इनके माइंड को रीड करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इनके पास तो पैसा बेशुमार है, पैसा का करेंगे क्या। लेकिन जो ये चैरिटी करते होंगे लोगों के फेस पे, जब ये स्माइल देखते होंगे, जैसे कि जब कोई तारीफ करता होगा कि बिल गेट्स के चलते ये अच्छा हुआ, किसी गरीब बच्चे के फेस पर जब स्माइल आती होगी तो ये देख के ऑफ कोर्स सेटिस्फैक्शन उनको मिलती होगी। और यही कारण है कि रिच लोग ऐसी चीजों को करते हैं, क्योंकि सेटिस्फैक्शन लाना नहीं पड़ता है। किसी गरीब बच्चे के फेस पर स्माइल देख के सेटिस्फैक्शन अपने आप ही आ जाती है। तो इसी को कहते हैं सेल्फलेस होकर जीना। तो कलयुग के इसी डिस्टोपियन फ्यूचर को ये मूवी हमें दिखाती है। एक एस्टिमेट के हिसाब से डेली 41 मिलियन ट्रीज को काट दिया जाता है, यानी पेपर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए डेली 4 करोड़ पेड़ों को काट दिया जाता है। और जब काटने का रेट नए पेड़ उगने के रेट से ज्यादा होता है तो इवेंचुअली जो पेड़ों की संख्या है वो कम होते रहेगी। अगर पेड़ों की संख्या को हमें बस मेंटेन करना है तो जितना पेड़ कटता है हर एक दिन और जितने नए पेड़ लगाए जाते हैं हर एक दिन वो मैच करना चाहिए एटलीस्ट। लेकिन अभी के समय में ये बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ रहा है। टिश्यू पेपर जैसी चीज बनाने के लिए रोज लाखों करोड़ों पेड़ कटते हैं। ये रियली में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की तरह है। लोग पेड़ों को काट कर अपने आप ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।
तो ये था आज का वीडियो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।